श्री गुरुभ्यो नमः। बच्चों, आज ऑनलाइन टीचिंग एकेडमी एक लाइवा में स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 4 के लिए एक पाठ सिखाने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य है बच्चों? यस, व्हाट आर द स्टेट्स इन सदर्न इंडिया? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य साफ सफाई और साक्षरता के लिए प्रसिद्ध है बच्चों? कौन सा राज्य? हाँ, केरल। अभी पता चले मैं क्या लेने वाली हूँ? हाँ, केरल का निमंत्रण। कक्षा 4 के लिए केरल का निमंत्रण CBSE के लिए लेने वाली हूँ। इसका सारांश सुनिए बच्चों। भारत में प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है ना? और इसमें हर एक राज्य की अपनी विशेषताएं हैं। केरल का प्राकृतिक सौंदर्य, खान पान, त्योहार, वेशभूषा और नृत्य सैलानियों को आकर्षित करती है। हमें यहाँ पर केरल की विशेषताएं के बारे में जानने जा रहे हैं। केरल का निमंत्रण। निमंत्रण का मतलब बुलावा। बुलावा मीन्स इनविटेशन। मैं ओमनाऊ, आई एम ओमना। भारत के दक्षिण में स्थित सुंदर केरल प्रदेश में रहने वाली एक बालिका। देखो, बालिका मीन्स गर्ल, दक्षिण मीन्स साउथ। देखो, शी लिव्स इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज केरला। मेरी धरती नदी, नहरों और झीलों की धरती है। नदी का मतलब क्या है बच्चों? यस, रिवर। नहरों मीन्स कैनाल्स। जीलो मीन्स लेक्स। इट इज अ लैंड ऑफ रिवर्स, कैनाल्स एंड लेक्स। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। हरियाली का मतलब क्या है बच्चों? ग्रीनरी। देयर इज ग्रीनरी एवरीवेयर इन केरला। तुम भी केरला यात्रा कर मेरे प्रदेश की शोभा देखो। शोभा का मतलब ग्लोरी या ब्यूटी भी कह सकते हैं बच्चों। यस, शी इज आस्किंग अस टू विजिट केरला टू सी द ब्यूटी ऑफ दैट स्टेट। यहाँ पहुँचते ही नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूम झूम कर तुम्हारा अभिवादन करते प्रतीत होंगे। अभिवादन का मतलब ग्रीट। और नारियल, नारियल का मतलब कोकोनट। समुद्र की लहरें। समुद्र का मतलब सी। लहरें मीन्स वेव्स। समुद्र की लहरें तुम्हारे कदम चूमने के लिए आगे बढ़ेगी। शी टेल्स दैट द लॉन्ग कोकोनट ट्रीज एंड द वेव्स ऑफ द ओशन इनवाइट्स अस टू विजिट केरला। केरल के पूर्वी भाग में पर्वत है। पूर्वी का मतलब क्या है बच्चों? ये तो डायरेक्शन है ना? दैट इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला वी हैव पहाड़। पहाड़ मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? दैट इज पर्वत, दैट इज नथिंग बट माउंटेन्स। यहाँ के ऊंचे पहाड़ घने जंगलों से टके हैं। ऊंचे पहाड़ मीन्स दैट द हाई माउंटेन्स एंड द घने जंगलों मीन्स द डेंस फॉरेस्ट से टके हैं। टके हैं मीन्स कवर्ड, दैट इज द माउंटेन इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, जिनमें हाथी, बाघ, चीता आदि वन्य जीव स्वच्छंद घूमते हैं। यूजुअली इन फॉरेस्ट वी हैव व्हाट? एलिफेंट्स, टाइगर्स एंड देन लेपर्ड्स, इज़न्ट इट? वी हैव द वाइल्ड एनिमल्स। वन्य जीव मीन्स वाइल्ड एनिमल्स स्वच्छंद घूमते हैं, दैट इज दे रोम फ्रीली इन द फॉरेस्ट। वन्य जीव का मतलब वाइल्ड एनिमल्स।
स्वच्छंद मीन्स फ्रीली। यहाँ 8,837 फीट ऊंची आनमुरी पर्वत चोटी है। चोटी का मतलब पीक। देखो द आनमुरी माउंटेन इज देयर इन दैट प्लेस। मध्य में समतल मैदान, मध्य मीन्स इन द मिडल वी हैव द प्लेन्स। एंड पश्चिमी, पश्चिमी मीन्स द वेस्टर्न साइड। समुद्र तट मीन्स दैट इज द शीशो। पर गाड़िया और लगून है। गाड़िया मीन्स व्हाट द बेस। ओके द बे वी कॉल इट अस गल्फ ऑल्सो चिल्ड्रेन। एंड लगून है जिनमें नौकाओं द्वारा व्यापार होता है। देखो दे डू बिजनेस थ्रू द बोट्स। लगून ताजे पानी का छोटा सा क्षेत्र होता है। देखो इट इज अ स्मॉल एरिया ऑफ फ्रेश वाटर। ताजे पानी मीन्स फ्रेश वाटर जो मैदानी किनारे को छूकर बहता है। देखो इट टचेस द प्लेन्स एंड इट फ्लोस। मेरी मातृभाषा मलयालम है। देखो मदर टंग इज मलयालम। मेरे प्रदेश के लोग सादा जीवन जीते हैं और बहुत परिश्रमी है। देखो दे लिव अ सिंपल लाइफ एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। परिश्रमी मीन्स वॉट हार्ड वर्किंग। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। संस्कृति का मतलब क्या है बच्चों? कल्चर। देखो शी इज प्राउड ऑफ अ कल्चर। ओके चिल्ड्रन, यू कैन सी द वर्बल्स एंड द कॉन्सनेंट्स ऑफ मलयालम मलयालम एंड देन यू कैन सी द लगून्स। ओके दे आर नथिंग बट द स्मॉल एरिया ऑफ फ्रेश वाटर। केरल की जलवायु गर्म और आर्द्र है। दैट इज गर्म मीन्स वॉट? इट इज वेरी हॉट। वॉट इज हॉट? जलवायु। जलवायु मीन्स द क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ केरला केरला इज वेरी हॉट एंड आर्द्र है। आर्द्र मीन्स गीला, वेट, ह्यूमिड ऑल्सो कैन सी चिल्ड्रेन। यहाँ लगभग पूरे साल वर्षा होती है, इसलिए लोग घर से बाहर हमेशा छाता लेकर ही निकलते हैं। देखो इट इट रेन्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट द होल ईयर। देखो व्हाट डू द पीपल डू मीन्स दे टेक अम्ब्रेला विद देम। छाता मीन्स व्हाट? अम्ब्रेला विद देम व्हेन दे कम आउट। यहाँ के पुरुष लुंगी और कमीज पहनते हैं। पुरुष का मतलब क्या है बच्चों? दैट इज मेन। दे वेयर लुंगी एंड कमीज। कमीज मीन्स शर्ट। स्त्रियों को सफेद कपड़े पहनना अधिक प्रिय है। देखो स्त्रियों मीन्स दैट इज विमेन। विमेन लव्स टू वेयर द व्हाइट क्लोथ्स। केरल वासियों का मुख्य व्यवसाय खेती करना और मछली पकड़ना। व्यवसाय का मतलब क्या है बच्चों? ऑक्यूपेशन। देखो द ऑक्यूपेशन ऑफ देम इज दैट इज मछली पकड़ना, टू कैच द फिश फिश एंड देन टू डू फार्मिंग। खेती करना मीन्स फार्मिंग। यस हमारा प्रिय भोजन है। दे फेवरेट फूड इज चावल और मछली। चावल मीन्स राइस, मछली मीन्स यू नो वेरी वेल इट इज फिश। यहाँ खाए जाने वाले डोसा, इडली, सांभर, अवियल, उपमा, उत्तपम जैसे पौष्टिक भोजन तो आज देश भर में पसंद किए जाते हैं। देखो दे ईट सो मेनी वेराइटीज ऑफ फूड्स दैट इज लाइक्ड बाय ऑल ओवर द कंट्री। देश भर मीन्स नेशन वाइड। पौष्टिक भोजन मीन्स न्यूट्रिटिव फूड। मेरी माँ केले और कटहल से भी अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। केले का मतलब क्या है बच्चों? बनानास। और कटहल, कटहल मीन जैक फ्रूट। एंड देन व्यंजन मीन्स डिशेस। देखो हर मदर प्रिपेयर्स वैरायटी ऑफ डिशेस विद बनानास एंड जैक फ्रूट। ओनम हमारा प्रमुख त्योहार है। प्रमुख मीन्स अ मेजर और अ मेन फेस्टिवल। यह
अगस्त के अंतिम सप्ताह अथवा सितंबर के आरंभ में मनाया जाता है. देयरफॉर इट इज सेलिब्रेटेड एट द लास्ट वीक ऑफ अगस्त और इन द अर्ली सितंबर. सप्ताह मींस वीक. उस दिन केरल की चटा देखने योग्य होती है. चटा मींस ब्यूटी. ऑन दैट डे द केरला लुक्स वेरी ब्यूटीफुल ऑन ओणम, इजंट इट? बिकॉज दे यूज्ड टू ड्रॉ दिस रंगोली व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल, इजंट इट चिल्ड्रन? ओणम के दिन सवेरे ही में नहा धोकर ढेर सारे फूल चुन लाती हूँ. दैट इज वॉट शी डज ऑन द डे ऑफ ओणम. मीन्स ऑन दैट डे शी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सवेरे मीन्स मॉर्निंग. और नहा धोकर मीन्स शी यूज टू टेक बाथ. एंड ढेर सारे मीन्स लॉट ऑफ फ्लावर्स. It is lots of flower used to pick and come on that Onam day. Meri ma unse sundar rangoli sajati hai. Therefore, our mother decorates the flowers. Us din yahan nauka daud ka ayojan hota hai. Nauka daud means that is boat race. Ayojan means arrangement. They make arrangement of this boat race. Okay, children? Tata aatiyon ka julus bhi nikala jata hai. Not only that, the procession of aatiyon means elephants also takes place. Julus means procession. That is the slow walk of the animal. And mandiron mein kathakali nritya hota hai. Nritya means dance. Therefore, dance also takes place in the टेम्पल. नया वर्ष आरंभ होने की खुशी में विशु नामक त्योहार मनाया जाता है. देखो दे सेलिब्रेट न्यू ईयर डे एज इन द नेम ऑफ विशु. एंड देन इस दिन घर के बड़े लोग छोटों को पैसे देते हैं और नए वर्ष के शुभ होने की कामना करते हैं. देखो व्हाट डू दे डू मीन्स ऑन दिस डे usually the elders will give money to the younger ones and they will give blessings also to the younger ones. Keral Pradesh masalon ka ghar hai. Masala means what? Spices. It is home to spices, children. Kali mirch means black pepper, laung means cloves, elaichi means cardamom, dalchini means cinnamon, jaipal means, that is one type of spice, that is nutmeg, and javitri means maize. Ka yahan khoob utpadan hota hai. Utpadan means what? They produce these spices. Kaju ki bhi bharpoor kheti hoti hai. Kaju means what? Cashew. Therefore, they cultivate cashew nuts also. Nariyal aur rabad ke utpadan mein bhi mera pradesh bahut aage hai. Not only that, they produce कोकोनट एज वेल एज रबर. ओके चिल्ड्रेन, आप लोग यहाँ पर नौका दौड़ देख सकते हैं बच्चों. दिस इज नथिंग बट बोट रेस एंड दिस इज द फेमस डांस. ओके कथकली. मलयाली हस्तशिल्प अनूठा है. हस्तशिल्प इज नथिंग बट हैंडीक्राफ्ट. अनूठा मीन्स यूनिक, निराला है. स्त्रियां जूट और नारियल के रेशों से सुंदर चटाइयां और टोकरियां बनाती है. देखो दे मेक टोकरियां मीन्स बास्केट्स एंड चटाइयां मीन्स मैट्स. देखो दे मेक दे प्रिपेयर दे मेक द मैट्स एंड द बास्केट विद द फाइबर्स ऑफ कोकोनट एंड जूट. ओके चिल्ड्रेन, रेशो मीन्स फाइबर्स, छटाइयों मीन्स मैट्स. और मछली पकड़ने के जाल भी स्वयं ही बुनती है. एंड दे ऑल्सो वीव द नेट टू कैच द फिशेस. नेट इट इज जाल मीन्स बुनती मीन्स वीव. पश्चिमी तट, आई सेड ऑलरेडी पश्चिम मीन्स द वेस्ट साइड. द वेस्ट शीशो कि महिलाएं मछली को डिब्बा बंद करने का कार्य भी करती है. डिब्बा बंद मीन्स कैनिंग. दैट इज दे विल प्रिजर्व द फिश इन अ कैन.
ओके दैट इज नोन एज डिब्बा बंद इफ द लेडीज इन द वेस्टर्न साइड दे ऑल्सो डू कैनिंग वर्क एंड देन ये डिब्बा बंद मछलियों न केवल भारत के विभिन्न भागों में भेजी जाती है बिफोर इट इज सेंड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया और अपितु बट विदेशों में भी इनकी बहुत मांग है मांग मीन्स डिमांड देखो देर इज अ नई डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट इन फॉरेन विदेशों मीन्स फॉरेन मांग मीन्स डिमांड मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में सब प्रदेशों से आगे है शी फील्स प्राउड एंड सेज दैट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अ स्टेट लीड्स इन द फर्स्ट पोजीशन। शिक्षा मीन्स एजुकेशन क्षेत्र मीन्स फील्ड विद्या को विद्या इज ऑल्सो एजुकेशन ओनली को हम प्रमुख गहना मानते हैं गहना का मतलब ज्वेल दे ट्रीट दिस एजुकेशन एज द इम्पोर्टेंट ज्वेल अ प्रेशियस थिंग अपने ज्ञान अनुभव और परिश्रम के कारण मलयाली लोग देश विदेश में उच्च स्थानों पर है सी है ज्ञान ज्ञान मीन्स व्हाट नॉलेज अनुभव मीन्स व्हाट एक्सपीरियंस परिश्रम परिश्रम मीन्स हार्ड वर्क यस बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज एक्सपीरियंस एंड हार्ड वर्क दे आर इन हाई पोजिशन उच्च स्थानों मीन्स हाई पोजिशन नॉट ओनली इन इंडिया इन इन द फॉरिन कंट्रीज ऑल्सो वे कहीं भी रहे वेर एवर दे आर उनके मन में अपने देश और प्रदेश के लिए अद्भुत लगाव बना रहता है लगाव मीन्स वॉट अटैचमेंट अद्भुत मीन्स यूनिक वेर एवर दे आर दे हैव एन अटैचमेंट फॉर देर स्टेट एज वेल एज फॉर देर कंट्री प्राकृतिक सुषमा मीन्स दैट इज नेचुरल ब्यूटी से भरपूर इस प्रदेश की यात्रा का मैं तुम्हें निमंत्रण देती हूँ निमंत्रण का मतलब बुलावा इन्विटेशन Therefore, to see this natural beauty, she is inviting us to come to Kerala. ठीक है बच्चों हम भी केरला की यात्रा करें और उनका सौंदर्य प्राकृतिक सौंदर्य कान पान वेशभूषा से आकर्षित होंगे अगली कक्षा में मिलेंगे बच्चों To receive our online lessons, please press the subscribe button and you will receive the latest updates. Dhanyavaad, bachchon.